लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी अस्पताल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजनौर से 35 किलोमीटर दूर नजीबाबाद में सरकारी महिला अस्पताल आज भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदहाली के आंसू बह रहा है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पंखे शोपीस बने हुए हैं, नलों में पानी नहीं आता, अस्पताल के स्नान घर पर ताला लटका हुआ है। इन सबसे मरीज बेहद परेशान है। कब आए थे अस्पताल आप? मैं अभी आई, आधा घंटा हो गया। अच्छा। और पानी की सुविधा नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा। पंखे, गर्मी लग रही मुझे बेतहाशा, और पंखे नहीं चल रहे। अच्छा। और टॉयलेट बहुत गंदी है यहाँ। तो क्या डॉक्टर को आपने अपने मरीज डॉक्टर से कहा मैंने आके, तो वो कह रहे हैं कि पर्ची बनवा के लाओ और जब दिखाना है। अब बैठे आराम से, प्रॉब्लम इतनी हो रही, परेशान है सारे मरीज और अपना आप आराम से बैठे। अब आप क्या चाहते हो? चाहते क्या है, देखे हमें, जब यहाँ सरकारी है तो हमें देखे, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे हमें, बस यही, और कुछ नहीं है बस। वहीं अस्पताल में डॉक्टर मरीजों की भी नहीं सुनते, इसका अंदाजा आप जमीन पर लेटी इस महिला मरीज का हाल देखकर जान सकते हैं। ये आई तो थी इलाज कराने, लेकिन जब डॉक्टर ने इसकी नहीं सुनी तो ये यहीं लेट गई। मरीजों की माने तो जच्चा का इलाज डॉक्टर की गैर मौजूदगी में ही स्वास्थ्य कर्मियों के सहारे चल रहा है। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बिजनौर से हाशिम अहमद, पंजाब केसरी टीवी।